हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से एक नया रिव्यू वीडियो लेकर के आई हूँ, जो है मीग्लो प्रीमियम फेयरनेस क्रीम। तो ये रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये मिग्लो का फेयरनेस क्रीम है, जो स्पेशली वुमेंस के लिए बनाई गई है, और इसी तरह की क्रीम मेन के लिए भी आती है मार्केट में, जिसका रिव्यू मैंने करा हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड प्रोडक्ट है, तो ये पूरी तरह से हमारे स्किन के लिए बिल्कुल सेफ है, और इसमें SPF 15 है, तो आपको अलग से और कोई सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारे स्किन को फेयरनेस देने के साथ साथ हमारे स्किन को सन के हार्मफुल रे से प्रोटेक्ट करेगा। तो ये क्रीम मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आप इसे जनरल स्टोर्स या कॉस्मेटिक स्टोर से ले सकते हैं, और ये ऑनलाइन वेबसाइट्स पे भी इजीली अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो इसकी प्राइस है 110 रुपीज़ और क्वांटिटी है 50 ग्राम की। तो ये काफ़ी अफोर्डेबल फेयरनेस क्रीम है, और इसमें आपको सारा कुछ डिटेल में मिल जाएगा, इसकी सारी इंफॉर्मेशन, इसकी इंग्रेडिएंट्स, इसकी क्लेम, हाउ टू यूज़, सारा कुछ इसमें मेंशन है। और आप देख सकते हैं इसकी काफ़ी लंबी चौड़ी इंग्रेडिएंट्स लिस्ट है, सारे के सारे केमिकल बेस्ड इंग्रेडिएंट है, एक भी नेचुरल इंग्रेडिएंट मेंशन नहीं है इसमें। तो अगर इसकी पैकेजिंग की बात करें, तो ये क्रीम कार्डबोर्ड पैकेजिंग के साथ आता है, बट अभी मेरे पास नहीं है, तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो ये प्लास्टिक ट्यूब की पैकेजिंग है, काफ़ी अट्रैक्टिव कलर है, सिंपल सी है बट अट्रैक्टिव है, और स्टडी भी है, तो आप इसे कहीं भी इजीली कैरी करके ले जा सकते हैं। तो अब इसकी टेक्सचर देख लेते हैं। ये देखिए, क्रीम की टेक्सचर अच्छी है, क्रीमी है, लाइट येलो कलर में है, बहुत ही स्मूथ है, और कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक है, और ये स्किन पे बहुत ही जल्दी से स्प्रेड हो जाती है, और इजीली स्किन में एब्जॉर्ब भी हो जाती है, और एब्जॉर्ब होने के बाद बिल्कुल भी ऑयली सा फील नहीं देता है, ग्रीसी सा नहीं लगता है, बिल्कुल भी स्टिकी सा फील नहीं होता है, जो काफ़ी अच्छी बात है इस क्रीम की। और इसकी फ्रेग्रेंस भी काफ़ी अच्छी है, स्वीट सी स्मेल है, स्ट्रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं है, और काफ़ी टाइम तक इसकी खुशबू रहती भी है। तो ये क्रीम को लगाते ही हमारे स्किन पे फेयरनेस हो जाता है, बहुत ही अच्छा सा ग्लो आ जाता है, और ये डार्क स्पॉट्स पिगमेंटेशन में भी काफ़ी हद तक वर्क करता है, डेड स्किन को रिमूव करके न्यू सेल को जनरेट करता है, डल स्किन को रिपेयर करता है, ये हमारे अनइवन स्किन को भी अच्छे से बैलेंस करता है, फाइन लाइंस डार्क सर्कल में भी काफ़ी अच्छा वर्क करता है, और स्किन को सॉफ्ट स्मूथ बना देता है, और स्किन के टेक्सचर को भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव करता है। तो इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, काफ़ी इफ़ेक्टिव क्रीम है, तो डेफिनेटली ये सब में काम करता है, बट थोड़ा टाइम लगता है, ये तुरंत से अपना रिजल्ट नहीं देता है, मिनिमम आपको 30 डेज तक इसे रेगुलर यूज़ करना होगा, तब भी आपको धीरे धीरे इसका रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट होगा। तो अगर आपको इसका अच्छा रिज़ल्ट चाहिए, तो आपको इसे डेली 2 टाइम्स अप्लाई करना है, एक बार मॉर्निंग में और एक बार नाइट में। तो ओवरऑल ये क्रीम काफ़ी अच्छा है, आपको इसे ट्राई देना चाहिए। तो ये था मेरा रिव्यू वीडियो, आई होप कि मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, टेक केयर, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम।